नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को टॉप 40 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए ताकि डेली की डेली आपको ये वीडियो मिल सके दोस्तों। हम यहाँ पर आपको रेलवे, NTPC, RRC, ग्रुप डी, बैंकिंग, SSC की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल साइंस और करंट अफेयर करवाई जा रही है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो 10 बच्चों तक पहुंचती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए, सभी कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने रस होते हैं? कमेंट करिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो होता है उसके अंदर कितने रस होते हैं, कमेंट करिए। तो देखिए राइट आंसर होगा 9, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस देखिए कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। झुकी हुई पिसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पिसा की मीनार कहाँ पे है, तो देखिए राइट आंसर होगा इटली, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में, देखिए उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, ऑप्शन सी उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक देखिए कौन है, बिल्कुल फ्रेंड्स चलिए देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए राइट आंसर होगा हॉकी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो राइट आंसर देखिए कौन सा होगा, निम्न सदन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए जीवाणु की खोज सबसे पहले लुएन होक ने की थी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो देखिए सुंडागर्त जो है हिंद महासागर में है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? तो देखिए राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्यानता का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा श्यानता का SI मात्रक पवाइज, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए राइट आंसर होगा शंकराचार्य, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो देखिए राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, जी बिल्कुल देखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
मरीना बीच कहां पर स्थित है, कमेंट करिए फटाफट। मरीना बीच कहां पर है, तो देखिए राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए राइट आंसर। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए राइट आंसर। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, चलिए देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, देखिए राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, मरकरी का संकेतक क्या होता है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। तो देखिए मरकरी का संकेत होता है HG, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई थी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर, भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है, तो देखिए राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब देखिए कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिस पैलेस किसका निवास स्थान है, कमेंट करिए फटाफट, एलिस पैलेस किसका निवास स्थान है, देखिए किसका है, फ्रांस के राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइट आंसर होगा सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा का सांकेतिक नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा PB, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जो जीव द्रव्य पाया जाता है देखिए दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्मा के नाम से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA किसका बना होता है, कमेंट करिए राइट आंसर, तो DNA जो है देखिए किसका बना होता है, प्रोटीन का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो देखिए इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है, किसका है, तो देखिए 10 डाउनिंग पैलेस जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर होगा देखिए ताप बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है, जी बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं विद्युत चुंबक, कमेंट करिए फटाफट, देखिए विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे का बना होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौ आखली कहां पर स्थित है, कमेंट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नौ आखली कहां पर है, तो देखिए बांग्लादेश में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, देखिए राइट आंसर होगा महेश दास, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति।
जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए फेसबुक पे व्हाट्सएप पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किडनी स्टोन किसका बना होता है? किडनी स्टोन देखिए किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओसीआर क्या पता लगाता है? ओसीआर से देखिए किसका पता किया जाता है, कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता किया जाता है दोस्तों ओसीआर से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखिए कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पिरामिड किस देश में स्थित है? कमेंट करिए फटाफट पिरामिड कहाँ पर है, तो देखिए राइट आंसर होगा मिस्र, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पिरामिड जो है मिस्र के अंदर मिलते हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, ताकि वो लोग भी जुड़कर यहाँ पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल दिखाई देगी उस पर क्लिक करिए, ताकि डेली की डेली वीडियो आपको मिले और आप अपने एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर सके। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन में से आपके कितने राइट रहे थे 40 में से, कितने आपने रॉन्ग किए कमेंट जरूर करिएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।